हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन क्रिकेट प्रेडिक्शन में। अगर आप ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीन हैं, ऑनलाइन गेम खेलना पसंद करते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट स्काई ऑनलाइन प्रो पर जाकर गेम खेल सकते हैं, जो कि इंडिया की नंबर वन गेमिंग वेबसाइट है, जहां आपको 50 से भी अधिक गेम खेलने का मौका मिलता है और वहां पर आप गेम खेल के अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कल के मुकाबले की, जो नामीबिया और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2022 का पांचवा मुकाबला है। दोस्तों, ये मैच ऑस्ट्रेलिया के सिमोंस स्टेडियम में 9:30 बजे से खेला जाएगा। अगर बात करें इन दोनों के हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच दो ही मुकाबला खेला गया है, जिसमें से एक नामीबिया ने विन किया है और एक नीदरलैंड ने। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों टीम पिछला मुकाबला अपना जीत करा रही है। अपना पिछला मुकाबला नीदरलैंड UAE से जीता था और नामीबिया ने श्रीलंका से। श्रीलंका के साथ नामीबिया ने बहुत अच्छा खेला था और 55 रनों से जीत हासिल की थी। दोस्तों, अगर बात करें पिच की, तो इस पिच पे जो एवरेज स्कोर है बैटिंग का, वो फर्स्ट इनिंग में 149 है और सेकेंड इनिंग में 132 है। जहां बात करें नीदरलैंड के प्लेइंग 11 की, तो विक्रमजीत सिंह और मैक्स ओडॉर आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। विक्रमजीत सिंह पिछले मैच में फ्लॉप गए थे, मैक्स ओडॉर भी पिछले मैच में फ्लॉप गए थे, लेकिन मैक्स ओडॉर अच्छे एक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टोटल अपने करियर में 50 मैचेस खेले हैं T20 का, उसमें से 1370 रन बनाए हैं और जिसमें से 9 अर्धशतक और 1 शतक भी शामिल है। और लास्ट मैच में इनको अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। फिर बात करें अगर तीसरे नंबर की, तो आपको बेस्ट दी लेडे दिखेंगे। ये भी एक अच्छे बल्लेबाज है और इन्होंने अपने कैरियर में 21 T20 मैच खेले हैं, जिसमें से 531 रन किए हैं और साथ ही साथ 4 अर्धशतक भी जड़े हैं। फिर अगर आगे बात करें, तो कॉलिन एकरमैन, जो कि एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन बैटिंग में इनको प्रमोट किया जाता है हर समय। इन्होंने अपने करियर में 15 मैचेस खेले, जिसमें से 317 रन भी जड़े हैं। अगर आगे बात करें, तो टॉम कॉपर, जो कि एक सीनियर प्लेयर है, लेकिन ज्यादा मैच ये खेले नहीं है T20 का। 25 मैचों में इन्होंने 560 रन बनाया है और साथ ही साथ 3 अर्धशतक भी जड़े हैं। फिर अगर विकेट कीपर की बात करें, तो स्कॉट एडवर्ड आपको दिखेंगे। इन्होंने अपने 37 मैच में 539 रन किए हैं। वांडर मावे, ये एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। उसके बाद आपको टिम प्रिंगल दिख जाएंगे। ये कुछ खास ज्यादा कर नहीं पाते हैं, लेकिन इनको टीम लगातार मौका दे रही है, हो सकता है अगले मैच में कुछ कर पाए। फिर बॉलिंग सेक्शन में आपको लोगन वान विक दिखेंगे। लोगन वान विक एक बहुत तगड़े बॉलर है, जिन्होंने 6 मैच में 18 विकेट लिए हैं और जो इनका बेस्ट स्पेल है, वो है 4 विकेट और 27 रन का। फिर आगे बात करें, तो फ्रेड क्लासन, जिन्होंने लास्ट मैच में काफी अच्छी बॉलिंग की थी। फ्रेड क्लासन की अगर करियर की बात करें, तो इन्होंने 29 मैचों में 34 विकेट लिए हैं और इनका जो बेस्ट स्पेल है, वो 19 रन देकर 5 विकेट। फिर लास्ट नंबर पे आपको पॉल वान मार्टिन दिखेंगे। इन्होंने 49 मैचों में 54 विकेट लिए और इनका बेस्ट स्पेल 4 विकेट 11 रन देकर। तो चलिए अब बात करते हैं नामीबिया के प्लेइंग 11 की। तो ओपनिंग जोड़ी में आपको वान लिंगेन, डेविनला कॉक आपको दिखेंगे। डेविनला कॉक एक नए प्लेयर है और लास्ट मैच में इन्होंने 9 रन किया था। 3 नंबर पर आपको लॉटी एटन दिखेंगे। लॉटी एटन भी एक नए प्लेयर है, जिन्होंने 15 मैच में 164 रन किए हैं और इनका परफॉर्मेंस कुछ खास जा नहीं रहा है अभी। फिर बात करें, तो आपको स्टीफन ब्रॉड दिखेंगे। स्टीफन ब्रॉड एक अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है। इन्होंने 26 मैच में 691 रन किए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक भी शामिल है। फिर अगर आगे बात करें, तो गर्हर्ड इरास्मस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये इस टीम के कप्तान हैं, जिन्होंने 37 मैच में 947 रन किए हैं, उसमें 7 अर्धशतक और 1 शतक भी शामिल है। तो ये अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। आगे ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, तो जैन फ्रैनलिंग, जिनको पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ मैन ऑफ द मैच दिया गया था। तो ये एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, इनको बैटिंग अगर मिलती है तो ये रन करते हैं और ये आपको 4 ओवर बॉलिंग करते दिखेंगे ही दिखेंगे। फिर आगे बात करें, तो डेविड वीजा, ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर है और ये भी बॉलिंग करते हैं 4 ओवर। बैटिंग में हो सकता है इनको मौका ना मिले, लेकिन बॉलिंग ये 4 ओवर करते हैं और उसमें से 1 या 2 विकेट भी चटका लेते हैं। फिर आगे बात करें, तो जेजे स्मिथ एक बैटिंग ऑलराउंडर है, जो कि बैटिंग में इनको प्रमोट किया जाता है। बॉलिंग 2 या 3 ओवर मिलता है या नहीं भी मिलता है, लेकिन बैटिंग इनको मिलता है, तो ये भी एक अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं अगर जो इनको बैटिंग मिला तो। फिर आगे बात करें, तो जैन ग्रीन इस टीम में आपको दिखेंगे। और आगे बात करें, तो वेनार्ड स्कॉल्स, इन्होंने 36 मैच में 41 विकेट लिए हैं और अच्छे एक गेंदबाज है। फिर आगे बात करें, तो बेन सिकांगो आपको दिख जाएंगे, जिन्होंने 19 मैचों में 16 विकेट लिया और इनका इकोनॉमी भी बहुत हाई है। अगर इसी तरह से आपको 100% प्रिडिक्शन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहीं अगर ऑनलाइन गेम आप खेलना चाहते हैं, खेलना पसंद करते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट स्काई ऑनलाइन पर जाके गेम खेल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ड्रीम 11 के टॉप 6 की। तो विकेट कीपर सेक्शन में स्कॉट एडवर्ड, बैटिंग में टॉम कॉपर, मैक्स ओडॉर्ड, वान लिंगेन,
स्टेफन बार्ड और इरास्मस। ऑलराउंडर में डेविड बीज, बास डेलीड। यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा फ्रैलिंग के साथ। पिछले मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पर यहाँ पे थोड़ा रिस्क के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि फ्रैलिंग एवरेज परफॉर्मेंस करके आपको नहीं देते हैं। कोई कोई मैच में वो ज़्यादा विकेट ले लेते हैं या फिर रन्स बना देते हैं, लेकिन एवरेज परफॉर्मेंस है वो डेविड बीज का है। जैसे पिछले मैच में फ्रैलिंग ने 44 रन किए और 2 विकेट भी, हो सकता है अगले मैच में फ्लॉप करें, लेकिन डेविड वीज़ा आपको एवरेज परफॉर्मेंस करके देते हैं, इसीलिए मैं डेविड वीज़ा के साथ जा रहा हूं। अगर आप लोग चाहें तो एक या दो टीम में फ्रैलिंग को रख सकते हैं। अगर बॉलर सेक्शन की बात करें तो बर्नार्ड अस्कॉल, जैसे मैंने आपको बताया था, एक अच्छे गेंदबाज है। फ्रेड क्लासेन, इन्होंने भी बहुत तगड़ी गेंदबाजी की है। और बेन सिकोंगो को भी आप ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी ड्रीम इलेवन की टीम। आगे बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस। तो कैप्टन चॉइस में आप मैक्स ओडॉड के साथ जा सकते हैं। मैक्स ओडॉड अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन पिछले मैच में कुछ ज़्यादा किए नहीं थे, लेकिन ये ओपनिंग करते हैं, तो अगर पिच पे ज़्यादा स्विंग ना हो तो ओपनर बल्लेबाज आपको अच्छा खासा पॉइंट दिला सकता है, इसीलिए मैंने कैप्टन चॉइस में इनको भी रखा है। फिर डेविड बीस, टॉम कोपर, ये तीन प्लेयर को मैंने अपने कैप्टन चॉइस में रखा है, मैक्स ओडॉड, डेविड वीज़ा और टॉम कोपर। वाइस कैप्टन चॉइस में जाए तो बस लेडे, फ्रेड क्लासेन जो कि एक बॉलर है और अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टेफन बार्ड। स्टेफन बार्ड भी सेकेंड डाउन या फर्स्ट डाउन आपको उतरते दिख जाएंगे, 3 या 4 नंबर पर। अगर विकेट्स ओपनर जल्दी गिर जाए तो ये फिर आपके लिए बेस्ट चॉइस होंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।